वेलकम टू डीके वीडियोस। तो बच्चों आज अपन सीखेंगे कि गूगल क्लासरूम का यूज कैसे करते हैं, क्योंकि आजकल हर स्कूल वाले अपना वर्क गूगल क्लासरूम के द्वारा ही सबमिट करवाते हैं। तो इसका यूज कैसे करें और इसमें अपन सबमिट कैसे करें अपना होमवर्क, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको गूगल क्लासरूम अगर कंप्यूटर में यूज कर रहे हो तो डायरेक्ट आप लिंक के द्वारा जा सकते हो, वरना आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो गूगल क्लासरूम ऐप। अब उसके बाद में आप जब लॉगिन करोगे, आपके जो टीचर है वो आपको लिंक भेज देंगे कि इस लिंक पर जाकर आप ज्वाइन होइए। तो जो लिंक आपके पास आता है उस पर क्लिक करना है, या फिर उसके नीचे आपको कोड नजर आ रहा है तो ये कोड आप क्लासरूम वाली एप्स में डाल के भी लॉगिन हो सकते हो। तो क्लिक करोगे आप लिंक के ऊपर तो उसके बाद में आपको जो स्क्रीन दिखाई देगी वो इस तरह से होगी। उसमें आपको आपका जो ईमेल एड्रेस है जो आप यूज कर रहे हो उससे आपको, यानी कि लॉगिन होने के लिए कहा जा रहा है कि आप इससे ज्वाइन होना चाहते हैं। तो आपका जो ईमेल एड्रेस है, मान लीजिए एक से ज़्यादा ईमेल एड्रेस है, तो आप जिसमें लॉगिन होना चाहते हो वो चूज कर सकते हो और फिर ज्वाइन क्लास पर क्लिक करना है। तो जब आप ज्वाइन क्लास पर क्लिक करोगे उसके बाद में आपके सामने एक पोर्टल खुलेगा जो इस तरह से होगा। अब आपको नजर आ रहा है इसमें एक बड़ा सा पोर्टल जिसमें आपकी क्लास नजर आ रही है, आपको जिस टीचर ने लिंक भेजा है उसकी क्लास नजर आ रही है। जैसे यहाँ पर आपको नाइन्थ क्लास नजर आ रहा है, अब नाइन्थ क्लास नजर आ रहा है, साथ में आपको बहुत सारे ऊपर ऑप्शन नजर आ रहे हैं। तो सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा है इसमें स्ट्रीम, फिर इसमें है क्लास वर्क और पीपुल यानी कि जो जो लोग जुड़े हुए हैं। अब इसमें क्रिएट पोस्ट है उस पर आप उसको काट दीजिए क्योंकि आपको पोस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट इसके बाद में स्टेप है, इसमें आप सबसे पहले जो स्ट्रीम है वहां पर आपको नीचे अपकमिंग जो आपका वर्क है वो नजर आएगा कि आपका जो आने वाला यानी कि आगे के समय में जो आपको वर्क करके कंप्लीट देना है वो नजर आ रहा है। और उसके नीचे आपको जो जो यहाँ पर सबमिट करे या कमेंट्स करे वो आपको नजर आ रहा है। तो अपन जो यहाँ पर लिखा हुआ है अपकमिंग व्यू ऑल, तो उस पर आपको क्लिक करना है, या आपको क्लास वर्क देखना तो उस पर क्लिक कर सकते हो। तो देखिए अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। अब आपको यहाँ पर जब आपने उस पर क्लिक करा तो आपको प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि क्लास वर्क में आपको प्रोजेक्ट नजर आ रहा है कि आपके सर ने क्या प्रोजेक्ट दिए। अब इसके नीचे व्यू असेसमेंट लिखा हुआ है तो आपको वहीं पर क्लिक करना व्यू असेसमेंट पर। तो चलिए इसके बाद आगे देखते हैं अपन। व्यू असेसमेंट पर आप क्लिक करोगे तो जो आपको प्रोजेक्ट दिया है या असेसमेंट दिया या वर्क दिया है वो आपको नजर आ गया, और राइट साइड में आपको यहाँ पर ऑप्शन नजर आ रहा है एट या क्रिट, तो उस पर आपको क्लिक करना है। वहां पर आप क्लिक करोगे यानी कि इसका मतलब कि आपका होमवर्क यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको जो स्क्रीन दिखाई देगी वो इस तरह से होगी। तो देखिए इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं कि आप कहाँ से डालना चाहते हो, फाइल गूगल ड्राइवर से या लिंक से या फाइल से। तो अपन को फाइल पर ही टिक करना, बाकी और पर नहीं, क्योंकि फाइल आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में है उसी को आपको अपलोड करना है। तो ये काम करने के बाद में अपन आगे देखते हैं। अब देखिए जब आपने उस पर क्लिक करा यानी कि फाइल पर, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रीजेंट अपलोड माय ड्राइवर या स्टार्टेड, तो आपको अपलोड वाले पर क्लिक करना है, यानी कि आपको फाइल अपलोड करनी है इसलिए उस पर आप क्लिक करोगे। उस पर क्लिक करोगे नीचे यहाँ पर ब्राउज लिखा हुआ है तो उस पर उसके बाद में यानी कि अपलोड करके आपको पहले उस पर क्लिक करोगे फिर ब्राउज पर क्लिक करोगे तो आपको आपकी फाइल तक ये ले जाएगा जहाँ से आप अपलोड करना चाहते हो। इसके बाद वाली स्क्रीन देखिए, अब इसमें आपको नजर आ रहा है यहाँ पर जो आपने फाइल अपलोड करी वो आपको नजर आ गया, और नीचे आपको लिखा हुआ है इसमें टर्न इन या हैंग इन भी लिखा हुआ आता है,
तो हैंग इन या टर्न इन नीचे लिखा हुआ है, तो आपको फाइल नजर आ गई। अब टर्न इन करने का मतलब कि आप उसको सबमिट करना, तो टर्न इन पर क्लिक कीजिए। टर्न इन पर क्लिक करने के बाद में आप को ये स्क्रीन नजर आ रही है, जहां से आप अपना होमवर्क देख सकते हो कि आपका सबमिट हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन नजर आएंगे, वहां टू डू, वहां पर क्लिक कीजिए। टू डू पर आप देखोगे कि आपका कौन सा वर्क अब बाकी रह गया, कौन सा आपका सबमिट हो गया। तो यहाँ प्रोजेक्ट वर्क के आगे आपको लिखा हुआ है टर्निंग इन, यानी कि इसका मतलब टर्निंग इन का मतलब आपने ये सबमिट कर दिया। और साइड में आपका कितना वर्क यानी कि डन है, तो आपका वन वर्क डन है वो आपको नजर आ रहा है। अगर कोई ड्यू वर्क है तो वो भी यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। तो इस तरह से अपन इसमें सबमिट करते हैं। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो।